असलकम हैलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो क्लास टेंथ का मैथ पेपर है इसका पेपर पैटर्न क्या है टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में ठीक है और आपको कहाँ से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं ठीक है दैन वस द एक्स वाई एंड द जड सीरीज़ ऑफ टू थाउजेंड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री So, सबसे पहले आपको आपका जो पेपर होगा उसमें क्या क्या आएंगे उसके उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे ठीक है उसमें ऑब्जेक्टिव उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वेरी लॉन्ग ठीक है ये आपका कंप्लीट करेगा पेपर बेटर नाउ वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द जीके पोस्ट 2023 ठीक है लेट्स स्टार्ट सो ये जो वाला पेपर है ये मैथ्स पेपर है एंड 2023 का है ठीक है सो वी विल डिस्कस दिस मैथ पेपर ये कौन सी सीरीज है जेड सीरीज है ठीक है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले तो इसका जो टाइम है वो तीन आवर्स का है मैक्सिमम मार्क्स कितने मैक्सिमम मार्क्स 80 ठीक है सेक्शन ए हम देखेंगे अब पहला क्वेश्चन द नंबर वन इज क्या ये प्राइम नंबर है क्या ये कंपोजिट नंबर है क्या ये नंबर है या नन ऑफ दीज देखो अगर मैं आपको यहां पर बताऊं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर्स है ओनली वन पॉज़िटिव, ओनली टू पॉजिटिव डिवाइजर्स ठीक है ओनली टू पॉजिटिव डिवाइजर्स दैट मीनस की वन प्राइम नंबर नहीं है ठीक है तो इसका क्या आंसर आ जाएगा इसका आंसर ननाफ दीज आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फोर एक्स प्लस एट एक्स तो इसका क्या आंसर है इसका आंसर है आपका जीरो एंड माइनस टू ठीक है समझ में आई बात सो so, हम कैसे कर सकते देखो ऐसे फोर एक्स स्क्स एट एक्स विच इज इक्वल टू फोर एक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो से फिर आप यहां से फिर आप एक्स का वेल्यू निकाल सकते हो ठीक है तो आपको क्या आंसर मिलेगा आपको ये वाला आंसर मिलेगा ठीक है देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर थ्री द देंथ टर्म

C वाला ठीक ठीक है, है, तो आपका जो आंसर है इसमें K is equal to 3. कैसे है आपको ये सॉल्व करना है फिर आपको ये आंसर निकलेगा ठीक है देन क्वेश्चन नंबर सिक्स लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज क्या आंसर है इसका थीटा बाई थ्री सिक्सटी इंटू टू बाई आर कहां पर है है कहीं पे ये है? हाँ थीटा बाई थ्री सिक्सटी इंटू टू बाई आर ये इसका आंसर है सर्कल द नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू तो इसका आंसर जीरो आएगा क्यों देखो अगर ये सर्कल है तो हम टेंजेंट बाहर से लगा सकते हैं ठीक है इनसाइड हम कोई भी टेंजेंट नहीं लगा सकते देन क्वेश्चन नंबर एट कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड एस कार्ड ठीक है आपको एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसका आंसर सिंपल आ जाएगा वन बाई थर्टीन ठीक है इज नॉट डिफाइनड फॉर कार्ट ए का कौन सा एंगल है जब ये नॉट डिफाइनड होगा जब इसका थीटा जो होगा थीटा इजिकल्ट या एंगल इजिकल्ट जीरो डिग्री ठीक है देन क्वेश्चन नंबर तो आपको यहां पर निकाल है कैसे निकालोगे B square minus 4AC, ऐसे आप डिस्क्रिमिनेट निकाल सकते हो तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा देखो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा माइनस फोर ठीक है माइनस फोर किस फॉर फॉर्मूला से आप निकालोगे B square minus 4AC. Then we have the question number 11. Question number 11. If P comma Q are two prime numbers, then the LCM PQ is equal to P into Q. Th then and we have our part here that is define collinear points. The points that lie in a single line. The points that lie on a single line or plane ठीक है so the question number सेवनटीन is here question number सेवनटीन is state angle angle similarity criteria for two triangle two triangles ठीक है अगर दो triangles है तो इनके दरमियान जो दो एंगल्स है ठीक है अगर दोनों ट्रेंगल्स के दो दो एंगल्स बराबर है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है तो हम इसे एंगल एंगल क्राइटेरिया कहते हैं वेन टू हैव टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स ठीक है देन वी द क्वेश्चन नंबर एटीन दैट इज डिफाइन लाइन ऑफ साइट तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं दिस इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर ठीक है टू द पॉइंटेक्ट अगर ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है ठीक है ये एक लाइन है जो हम ड्रा करते हैं फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट ठीक है देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वट इज द सम ऑफ द प्रोबलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ठीक है ये वन है ये आपने बहुत बार आपके मैथ में देखा होगा ठीक है

एच सी एफ ऑफ थ्री थर्टी सिक्स एंड फाइव फिफ्टी फोर ठीक है देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कून ऑफ हाइट ठीक है सेंटीमीटर द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर फोर सेंटीमीटर एंड टू सेंटीमीटर फाइंड कैपेसिटी ऑफ द ग्लास ठीक है कैपेसिटी का क्या मतलब है आपको वॉल्यूम निकालना है समझ में आई आपको बात देन वी हैव है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री सोलो द ठीक है। By कौन सी मेथड आपको यहां पर इस्तेमाल करनी है सबस्टिट्यूशन मेथड अब हमारे पास है -फोर. -फोर क्या है? या आपको ये वाला क्वेश्चन करना है ये का टू टेन स्केर फोर्टी फाइव प्लस थर्टी माइनस साइन है? देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अ बेग कंटेन्स थ्री रेड बॉल्स फाइव ब्लैक बॉल्स ठीक है एक बेग के पास थ्री रेड बॉल्स है एंड फाइव ब्लैक बॉल्स है ए बॉल इज ड्रॉन एट द रें बैक कोई भी बॉल अगर हम निकालेंगे वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉइंग इज रेड ठीक है देखो आपको आप कोई भी बॉल निकाल सकते हो आपको ये यहाँ पर लिखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है किसकी रेड बॉल की जब हम निकालेंगे ठीक है देखो सो so, रेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी थ्री बाई इन दोनों को मिला के ए नॉट रेड की क्या होगी देखो फाइव बाई ए ठीक है आ गया इजी है ना अब देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स A class teacher क्लास टीचर हैजॉलोइंग एबसेंटीज रिकॉर्ड ऑफ फोर्टी स्टूडेंट ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म ठीक है तो फोर्टी परसेंट जो थे ना स्टूडेंट्स uh, जो है ना फोर्टी परसेंट स्टूडेंट उनका जो एबसेंटीज का रिकॉर्ड है उसके पास द मीन ऑफ द डेज स्टूडेंट वॉज एबसेंट ठीक है absent, तो यहां पर आपको रिकॉर्ड दिया गया है यह क्या रिकॉर्ड है जीरो टू सिक्सटीन डेज में अलेवन स्टूडेंट्स वायर एबसेंट सिक्स टू टेन में टेंथ स्टूडेंट्स वायर एबसेंट टेन टू फोर्टीन में सेवन स्टूडेंट्स वायर एब्सेंट इसी तरीके से ये रिकॉर्ड दिया गया है आपको मेन निकालना ठीक है देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर दिस विल कम्प्लीट याउ वी हैव द सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ऑबटेन ऑल ऑबटेन ऑल अदर जीरोज ऑफ थ्री एक्स रिज फोर प्लस थ्री एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्स टेन एक्स माइनस फाइव इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर दिस ठीक है Then we इसका जो है ना आर पार्ट आपको यहां पर आप कर सकते हो फाइंडिकॉम एन प्रोडक्ट ऑफ आर रू टू एंड वन बाई थ्री रेस्पेक्टिवलीव द क्वेश्चन नंबर एट ए फ्रैक्शन बिकम्स वन बाई थ्री वैन वन इज अब्रैक्टेड फ्राम दट बिकम्स वन बाई फोर वैन एट इज एडेड इट इज डिनटे फाइन द फ्रिक्शन आपको फ्रिक्शन निकालना है ठीक है

सो so, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखो इसकी एक फार्मूला है जैसे एस फिफ्टीन फिफ्टीन मतलब एन फिफ्टीन टर्मस निकालें इज टू एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है दिस इज द फार्मूला जिसकी मदद से आप ये निकाल सकते हो तो इसको आप सॉल्व कर लेना और आपको जो आंसर मिलेगा वो नाइन सिक्सटी मिलेगा ठीक है ए इज इकल्ट ए कितना है ए इज इकल्ट एट एंड डिफरेंस कितनी आंसर मिल जाएगा ठीक है राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेके ठीक है ये ध्यान से आपको देखना है कि आपको एंगल ए के रेशियोज लिखने हैं ठीक है थीक्या? लेकिन किस में इन टर्म्स ऑफ सेके prove that the देखो prove that the lengths of tangent drawn from an external point to a circle are equal यहाँ पर एक point है ठीक है तो आपको क्या करना है ऐसे आपको दो tangent draw करने हैं फिर इन दोनों का जो length है इनको same दिखाना है ठीक है then we have another question the length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the circle of tangent

and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5, 10 cm and 3.5 cm ye aapka question number 34 hai This will conclude our section C. Now we have the section D here. Section D में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हमारे पास इसमें R parts होते हैं. And a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour

Two sides of a triangle is parallel to the third side theorem. Then an equilateral triangle prove that the three times the square of one side is equal to four times the square of one of its altitudes triangles. Then we have the 39. Draw a pair of tangents of a circle of radius 5 cm, which are inclined to each other 8 and

तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब